दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अदरक के सेवन के बारे में कि कैसे आप अदरक का सेवन करके अपने सेक्स लाइफ को एक नए मुकाम तक, नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अदरक हर घर में पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, अदरक की बात बताने के। दोस्तों दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला मैं आपको बताता हूँ तेल के रूप में। दोस्तों अगर आप 100 ग्राम अदरक या 150 ग्राम अदरक या 250 ग्राम अदरक को मिक्सर में कूट लेते हैं, आपके घर में जो भी चीजें हैं, जिस भी चीज से आप कूट सकते हैं, या मिक्सर में या ग्राइंडर में जो भी पीस सकते हैं दोस्तों, उसको पीस लीजिए दोस्तों। और उस मिक्सर के पीसने के बाद आप सूती कपड़े में लेकर उसका अदरक का रस जो है एक कटोरी में निचोड़ कर गिरा लीजिए, और उसके बाद उसमें दोस्तों 100 ग्राम तिल का तेल, यानी अगर आपने 250 ग्राम अदरक लिया तो कम से कम 100 ग्राम तिल का तेल, 100 ग्राम तिल के तेल को उसमें मिक्स कर दीजिए और किसी बर्नर में रख लेकर गैस पे रख दीजिए गरम करने के लिए। दोस्तों 10 मिनट के बाद गरम होने के बाद जब वो सीध गरम हो जाता है या फिर जो हल्का गरम हो जाता है उसको दोस्तों आप उतार लीजिए। उतारने के बाद दोस्तों आप उसको किसी शीशे में स्टोर कर लीजिए। दोस्तों यहाँ बात मैं रोकता हूँ, मैं आपको बात बताता हूँ। दोस्तों 99% लोगों में, मेरे साथ, आपके साथ, या मैंने या आपने, मतलब 99% मर्दों के साथ ऐसा होता है दोस्तों, जो हस्तमैथुन का शिकार हो जाते हैं, यानी मास्टरबेशन। दोस्तों उसके हमारी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, बहुत से लोगों का लिंग टेढ़ा हो जाता है, बहुत से लोगों का लिंग पतला हो जाता है, बहुत से लोगों का ये होता है कि दोस्तों जल्दी वीरस्खलन हो जाता है, या फिर गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं नर्वस हो जाते हैं, बीवी के पास जाते हैं नर्वस हो जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है, आई एम श्योर दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए फार्मूले को 30 दिन तक यूज करते हैं दोस्तों, आप सेटिस्फाई अपने बीवी को, अपने गर्लफ्रेंड को कर पाएंगे। दोस्तों इसके साथ कुछ परहेज भी जरूरी है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपने स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको सुबह और शाम दो बूंद तेल को लेकर अपने लिंग पे मालिश करनी है। लिंग पे मालिश करने के बाद आपको तौलिया लपेट के या फिर अंडरवियर पहन के, या मतलब दो तेल जो है सूखना नहीं चाहिए, लपेट के आप रहिए, और उसके बाद एक घंटे बाद आप चाहें तो धुल सकते हैं। ये फार्मूला दोस्तों जो करना है आपको सुबह और शाम दोनों के टाइम करना है, सुबह भी करना है शाम को भी करना है, और एक घंटे लगा के रखना है दो दो बूंद तेल को। और उसके बाद दोस्तों फार्मूला नंबर दो है दोस्तों, आपको 250 ग्राम अदरक लेनी है, और 250 ग्राम अदरक ले लीजिए या फिर 200 ग्राम अदरक ले लीजिए, 100 ग्राम अदरक ले लीजिए, जैसे जिस हिसाब से बनाना चाहते हो दोस्तों। मैं तो सलाह दूंगा 250 ग्राम अदरक की, 250 ग्राम अदरक ले लीजिए, 100 ग्राम शहद ले लीजिए दोस्तों। 100 ग्राम शहद लेने के बाद एक नेक्स्ट चीज आती है, जो भी 100 ग्राम शहद लेने के बाद दोस्तों एक नेक्स्ट और चीज है लहसुन। लहसुन दोस्तों बहुत, मैंने अपना पहला वीडियो लहसुन को लेकर डाला था, यानी लहसुन के लिए, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं कैसे आप अपने लिंग को स्टैंड कर सकते हैं 1 सेकंड में, विद इन 7 डेज, मैंने दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में लहसुन के बारे में बताया था। तो दोस्तों 250 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम शहद को ले लीजिए दोस्तों, तीनों चीजों को मिक्स कर दीजिए, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लीजिए, उसमें शहद को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा गर्म करके इसको आप स्टोर कर लीजिए, और शाम को सोते टाइम, सिर्फ शाम को सोते टाइम आप 1 चम्मच या 2 चम्मच इस जो मिश्रण बनाए हैं, इस मिश्रण को 1-2 चम्मच खा के 1 गिलास दूध पी लीजिए। दूध पीने के बाद दोस्तों दोनों फार्मूला आपको साथ साथ करना है, यानी कि तेल भी लगाना है और आपको मिश्रण भी पीना है। तेल आपको सुबह शाम लगाना है दो दो बूंद, और मिश्रण आपको शाम को 1 गिलास दूध के साथ पीना है। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर आप अपने आप में परिवर्तन देखेंगे। मैं फुल गारंटी देता हूँ दोस्तों कि 15 दिन के बाद आपको परिवर्तन दिखेगा, और 30 दिन के अंदर आप अपने आप को महसूस, ऊर्जावान महसूस कर लेंगे कि आपका लिंग मोटा, लंबा और सख्त हो बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको कुछ परहेज भी करना पड़ेगा, जहाँ फायदा दोस्तों वहाँ नुकसान भी है, कुछ परहेज करना पड़ेगा। दोस्तों आपको मास्टरबेशन हस्तमैथुन, इसे आप एज ए कलीजे मुठ मारना, ये दोस्तों छोड़ना होगा। 30 दिन इसका परहेज करना पड़ेगा, 30 दिन आपको मास्टरबेशन छोड़ना पड़ेगा, और फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फुल्की, इन सब चीजों का परहेज करना पड़ेगा दोस्तों। तीसरा नंबर है, आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए आपको इन चीजों का परहेज करना, जब तक आप दवाएं चलाते हैं। 30 दिन तक दोस्तों आपको पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना है, मतलब फास्ट फूड में कोई चीजें नहीं खानी, तली भुनी चीजें कम खानी है, सिगरेट छोड़ देना दोस्तों, वाइन छोड़ देना है, आप बियर पीते हैं तो बियर छोड़ देना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के लिए। हाँ बीच में आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्तों, डाइट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीजों को छोड़ के हमारे बताए हुए नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, मैं फुल गारंटी देता हूँ कि आपके लिंग को राड बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके हेल्थ से रिलेटिव, आपके स्वास्थ्य रिलेटिव, आपके सेहत के लिए नई नई वीडियो रोज लाऊंगा दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों कि मैं सेक्स के लिए ही वीडियो लाऊंगा, मैं और भी चीजों के लिए वीडियो लाऊंगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं और वीडियो बनाऊं। थैंक यू दोस्तों।